ये बात सही है कि यूपीए सरकार ने शहरी क्षेत्र में 2 गुना और ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना का कानून लाया। बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 बार अध्यादेश ला के वापस किया, लेकिन राहुल जी के नेतृत्व में रामलीला मैदान में बड़ी किसानों की रैली की गई और उसको वापस लेना पड़ा। फिर वो राज्यों को सौंप दिया। पिछली सरकार में चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी हमारे यहाँ भी, तो उन्होंने वही लागू किया जो केंद्र सरकार चाहती थी। जब हमारी सरकार आई तो हमने उसको रिवर्ट किया, जो यूपीए सरकार के समय जो प्रावधान था उसको हमने लागू किया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 2 गुना और 4 गुना, शहरी क्षेत्र में 2, ग्रामीण क्षेत्र में 4। और रिक्त नहीं होगा क्या? 65,000 को खाली, 35,000 क्रिएट करेंगे, पदों का सृजन करेंगे। रिटायर नहीं होंगे जी? रिटायरमेंट होगा तो फिर नहीं भरोगे? सर, अभी आप यहाँ मौजूद हैं और ओल्ड पेंशन का स्पेसिफिक सवाल है। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिसको लागू किया है, मैं 2 चीजों पर थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ ये चुनाव प्रचार में भी बातें उठेंगी, तो बेहतर है अभी क्लैरिटी हो जाए। जो एनपीएस का कंट्रीब्यूशन है छत्तीसगढ़ का भारत सरकार के पास, या जो जहाँ मार्केट में रहता हो, वो कितना है अभी तक, और भारत सरकार से आपको रिप्लाई आया है कि नहीं, आपने जब कहा कि वापस देना? बहुत अच्छा सवाल, मैं स्वागत करता हूँ। और पहले मैं कहना चाहूँगा, जब आपसे मैंने बात की तो उस समय आप सबका स्वागत नहीं कर पाया था। पूरे डायस में बैठे सभी हमारे नेताओं का मैं स्वागत करता हूँ, विशेष रूप से धनी राम जी का, जिन्होंने ये हमारे घोषणा पत्र लॉन्च किया, उस समिति के अध्यक्ष हैं, और तमाम सभी नेतागण, मैं वक्त जाया नहीं करते हुए सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और उस पहली बात तो ये है कि वो राशि 17,000 करोड़ है जो राज्य सरकार और छत्तीसगढ़ के 3,00,000 कर्मचारी अधिकारी हैं उसकी राशि भारत सरकार के पास 17,000 करोड़ रुपये जमा है। भारत सरकार को हमने पत्र लिखा कि वो पैसा, क्योंकि हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दिया, वो पैसा हमें राज्य वापस भेज दे। उन्होंने पैसा वापस करने से इनकार किया है, लेकिन कारण उन्होंने नहीं बताया है। कारण तो बताने होंगे, हम फिर से पत्राचार करेंगे। पैसे तो कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनका एग्रीमेंट हुआ है, और उसी एग्रीमेंट के तहत राजस्थान में पैसा वापस, वो अपना पैसा निकालना शुरू कर दिए। अब इसमें कारण क्यों नहीं दे रहे हैं ये हम पूछेंगे, और उसके बाद लीगल एडवाइस भी लेंगे, और व्यक्तिगत उनके एग्रीमेंट है, खाता भी खुलवाएंगे, एग्रीमेंट करेंगे राज्य सरकार के साथ, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, और पुराने पेंशन के तहत अब पेंशन के लिए वेतन में कोई अंशदान की कटौती नहीं होगी, नंबर 1। सेवानिवृत्ति के पर पेंशन की पूरी गारंटी, नंबर 2। सेवानिवृत्ति पर अंतिम मूल वेतन के 50% पेंशन बनेगी, नंबर 4। मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन का प्रावधान, नंबर 5। सेवानिवृत्ति पर सामान्य भविष्य निधि, ग्रेजुटी पेंशन, सारांशीकरण सहित अन्य आर्थिक लाभ की पात्रता होगी। सर, इसमें ही एक सप्लीमेंट्री है, अगर आप परमिट करें तो। पहली बात यह है कि मान लीजिए वहां से नहीं आता है, तो आप लोगों ने कैसे उसका वो किया है, अरेंजमेंट किया है? जैसे क्योंकि एनपीएस में जो कर्मचारी, उसमें भी रिटायर होना है अभी अगले साल जब भी होगा, और वो मनी जो है आपके पास अभी कंट्रोल उसका नहीं है, लगभग सभी राज्यों की यही प्रॉब्लम है, तो बैकअप प्लान क्या है छत्तीसगढ़ का? देखिए, दूसरा जो एग्रीमेंट किया है सर, जब एग्रीमेंट हुआ होगा आपकी सरकार ने, तो उस वक्त एग्रीमेंट किसने किया था, और उसमें क्या क्लॉज है विड्रॉल का? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्यक्तिगत जो खाते धारक हैं, जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनके साथ एग्रीमेंट है, वो पैसा तो कभी निकाल सकते हैं, और पैसा निकाल के राज्य सरकार के साथ खाते में जमा कर सकते हैं, तो रोक नहीं सकता कोई, और आगे से कटौती बंद होगी जो काटा जाता था उनका, और जो काटा जाता था वो बंद हो जाएगा ओल्ड पेंशन स्कीम का, राज्य सरकार देगी उसको, जो पुराना ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके तहत दिया जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा दिन तक रोक नहीं सकते। यदि इंडिविजुअल खाता में है, मेरे खाते में पैसा है, तो उसको तो मैं निकाल सकता हूँ,
जितने राशि, उसको रोक नहीं सकता चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। अब उसमें लीगल हम लोग ले रहे हैं, लीगल एडवाइस भी ले रहे हैं, और भारत सरकार से फिर पत्र लिखेंगे कि आपने पैसा नहीं देने की बात कही है, लेकिन क्यों नहीं देंगे आप, वो कारण आपने नहीं बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं। केंद्र सरकार, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये में धान खरीदी करने का फैसला लिया, राहुल गांधी घोषणा की, एक साल तो हमने दिया, उसके बाद दूसरे साल रोक लगा दिया, क्योंकि ये बोनस है, इसलिए आप यदि इस बोनस देंगे तो आपके चावल को हम FCI में नहीं खरीद करेंगे। हमने रास्ता निकाल लिया, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, 9000 रुपये एकड़ दे रहे हैं, इस साल तो 2640 रुपये पड़ रहा है, हम तो वादा तो 2500 के किए थे, अभी किसानों को जो मिल रहा है, अभी धान कटाई चल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, 2640 रुपये में एक नंबर हमारी धान खरीदी शुरू हो गई, उसको पड़ेगा 2640 रुपये, तो हम घाटा नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, जो अर्थव्यवस्था के बारे में सवाल कर रहे थे, आज स्थिति क्या है, GST आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दिए, पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे, लोगों की क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है, हमने छत्तीसगढ़ में किया और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा तो राज्य के राजस्व भी मिलेगा, जितना GST क्रय करेगा उतने राज्य का GST जाएगा, उतना राज्यांश मिलेगा, और फिर वित्तीय हम लोगों को अनुशासन बनाकर रखना पड़ेगा, तो जितनी घोषणाएं वो आराम से हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं, हम लोग कहते थे कि आप कहाँ से ऋण माफी करेंगे, हमने ऋण माफी भी किया 9,950 करोड़ का, और उसके बाद 2500 रुपये हम धान भी खरीदी कर रहे हैं, 4000 प्रति मानक बोला, तेंदू पत्ता भी खरीदे हैं, गोबर भी खरीद रहे हैं, अंग्रेजी स्कूल भी खोलते सभी विधानसभाओं में, 8000 क्लिनिक योजना भी चल रहा है, वित्तीय प्रबंधन है भाई यहाँ एक, और रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने चालू कर दिया, अभी मैं 600 करोड़ के रिलीज करके आया 2 अक्टूबर को, सब जगह भूमि पूजन करके आया हूँ, सभी 90 विधानसभा में 146 हमारे ब्लॉक हैं, तो उसे 300 जगह 2-2 करोड़ रुपये के भूमि पूजन करके आया हूँ, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की जो आपने कहा ना कि यहाँ नौजवानों को देंगे, तो वो उस प्रकार की योजना हमने लागू कर दिया है। और फिर इनके शासित राज्यों की स्थिति क्या, जैसे अभी कहा ना कि ये तो लोन ले रहे हैं, यहाँ 4 बार हो गया लोन लेते, मध्य प्रदेश में 4000 करोड़ का लोन ले चुके हैं अभी तक के, छत्तीसगढ़ में हमने अभी तक नहीं लिया है, छत्तीसगढ़ में हमने लोन नहीं लिया है, और इनके साथ ही जब डबल इंजन है तब वहां लोन लिया जा रहा है, और जहां कांग्रेस की सरकार है हमें अभी तक लोन नहीं लिए, ये डबल इंजन नहीं ट्रबल इंजन है,